कर्नाटक चुनाव खत्म होते ही क्यों बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम? कर्नाटक चुनाव से पेट्रोल डीजल के दाम का कनेक्शन? पेट्रोल और डीजल के दामों में पिछले करीब 19 दिनों से ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन 12 मई को जैसे ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव खत्म हुए, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे। तेल कंपनियों ने सोमवार को एक बार फिर से तेल के दामों में बढ़ोतरी कर दी। कर्नाटक में वोटिंग के दो दिन बाद हुई इस बढ़ोतरी से जहां दिल्ली में पेट्रोल 56 महीने के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, वहीं डीजल भी 66 रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। इस बढ़ोतरी के साथ ही डीजल ने कीमतों के मामले में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने का रिकॉर्ड बना लिया। सोमवार को दिल्ली में जहां 1 लीटर पेट्रोल के लिए 74.80 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, वहीं मुंबई में इसकी कीमत 82.65 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। कोलकाता में 77.50 रुपए और चेन्नई में 77.61 रुपए प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं। अगर डीजल की बात करें तो दिल्ली में ये नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली में 1 लीटर डीजल के लिए आपको करीब 66.14 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। मुंबई में डीजल 70.43 रुपए पहुंच चुका है, कोलकाता में 68.68 रुपए और चेन्नई में 69.79 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो कर्नाटक चुनाव की वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों पर जो ब्रेक लगा था, उसमें एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 2014 के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, जिसका सीधा असर भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों पर भी दिख रहा है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ये खबर सामने आई थी कि सरकार के इशारे पर पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में मार्केट के मुताबिक बदलाव करने से कदम पीछे खींच लिया है, लेकिन अब चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर से इसे मार्केट के हवाले कर दिया गया, यानी चुनाव खत्म, जेब कतराई शुरू। इंडिया न्यूज़ स्पाइरल की रिपोर्ट।